यूक्रेन के साथ जेलेंस्की ने बड़ी कार्रवाई की है। यूक्रेन की 11 सियासी पार्टियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है। 11 सियासी पार्टियों को मुअत्तल कर दिया जेलेंस्की ने। मुअत्तल पार्टी रूस के हामी है जेलेंस्की के मुताबिक, और उन्होंने मुअत्तल पार्टियों पर रूस को खबर देने का इल्जाम भी आयद किया है। तो जेलेंस्की ने यह बड़ा फैसला लिया है। यूक्रेन में कई सियासी पार्टियों को उन्होंने मुअत्तल कर दिया है। जेलेंस्की का इल्जाम है कि ये तमाम पार्टियां रूस की हामी हैं और रूस को यूक्रेन के हवाले से खबर मुहैया करवा दी। तमाम बड़े अपडेट मुसलसल आप तक पहुंचा रहे हैं हम। यूक्रेन के सदर जेलेंस्की ने यह बड़ा फैसला लिया है। 11 सियासी जमातों को मुअत्तल किया है उन्होंने, और मुअत्तल पार्टियां रूस की हामी है। जेलेंस्की के मुताबिक उन्होंने कहा कि रूस को खबर देती हैं 11 सियासी पार्टियां, इसी के चलते उन्होंने इन्हें मुअत्तल किया है। रूस यूक्रेन जंग का आज 26वां दिन। इस पूरी जंग में अब तक फास्फोरस, वैक्यूम बम से लेकर हाइपरसोनिक मिसाइलों तक का इस्तेमाल हो चुका है। रूस के हमलों ने तो यूक्रेन के बड़े बड़े शहरों की तस्वीर को ही बदल कर रख दिया है। जहां खूबसूरती थी, अब वहां सिर्फ तबाही का मंजर है। शहर नहीं, अब वो कब्रिस्तान लगते हैं। लेकिन इस जंग में सिर्फ बम, बंदूक और मिसाइल्स का इस्तेमाल ही नहीं हो रहा, बल्कि अफवाहों का और माइंड गेम्स का भी इस्तेमाल हो रहा है। अब इस मामले में नई पेशनगोई की जा रही है, और ये पेशनगोई बेहद फिक्रामेज है, क्योंकि ये पेशनगोई जेलेंस्की कर रहे हैं। जेलेंस्की की नई पेशनगोई तो अब तक की सभी पेशनगोई पर भारी है। पहले आप इसे सुनिए। मैं मुआहदे के लिए तैयार हूँ। अगर जंग को रोकने का 1% भी इम्कान होगा तो हम उसके लिए भी कोशिश करेंगे। हम रोज अपने लोगों को खो रहे हैं जिनका कोई कसूर नहीं है।